नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, यूपीएससी की तरफ से जो है यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आपकी निकाली गई है, और ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए है। तो देखिए, नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद। तो यहाँ देखिए जो है आपको इसमें मिल जाएंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, पीडीएफ को जो आप लोग ओपन कीजिएगा तो इसमें जो है आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है, तो इसमें बहुत सारे चीज़ों के लिए, एक आपका जैसे इसमें असिस्टेंट लीगल एडवाइजर के लिए है आपका यहाँ पे, और वहीं पे नंबर 2 पे आपका यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट ऑफ मेडिकल फिजिक्स का, और उसके बाद जो आपका यहाँ पे जो नंबर 3 पे जो आपका दिया हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। लेकिन यहाँ पे जो आपका मेन इसमें है दैट इज़ फॉर असिस्टेंट इंजीनियर का, जो कि आपका 4th नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल में आपका दिया हुआ है दैट इज़ फॉर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आपका है। और ये जो आपका है इसमें जैसे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है, तो टोटल जो आपका यहाँ पे 18 वैकेंसी है। तो इसके अलावा सीट भी रिजर्व किए गए हैं, जैसे आपके यूआर के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 5, और जो एससी के लिए 2 है, और एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। अब देखिए, जो 18 वैकेंसी जो आपकी निकाली गई है, तो इसके लिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, तो वो आपका होना चाहिए दैट इज डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। और साथ में यहाँ पे आपका दिया हुआ एक्सपीरियंस भी है, यानी कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड में। अब यहाँ पे देखिए, जो रिलेवेंट फील्ड है तो इसका मतलब है कि आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आपका इन पे होना चाहिए, दैट इज इन द फील्ड ऑफ एसी प्लांट, या फिर 11 kV ST और EHV जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे सब स्टेशन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क के लिए, तो इनमें जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सारा कुछ दिया हुआ है टोटल इसके रिगार्डिंग। और यहाँ पे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट नोट आपका दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे जो क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस आपका है, तो ये जो है वह रिलैक्सेबल है, जो कि ये कमीशन के द्वारा लिया जाएगा इसके पीछे, यानी कि ये आपका रहेगा कि जैसे जो कैंडिडेट बिलोंग करते होंगे शेड्यूल कास्ट से या फिर शेड्यूल ट्राइब से जो है, तो उनका एक एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस पे कमीशन जो डिसाइड करेगा, अगर उनका एक्सपीरियंस नहीं भी रहा तो उनको भी कर सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कमीशन के ऊपर में। तो ये देखिए आपका तब किया जाएगा यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कोई जो एसटीएससी कैंडिडेट से मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस अगर जो मतलब कि जो इंजीनियर है वो अगर नहीं मिलता है, तो उनमें देखिए यहाँ पे बिना एक्सपीरियंस के जो भी रहेंगे तो उनको भी फिल कर दिया जा सकता है, वैकेंसी भरी जाएगी यहाँ पे। तो ये चीज़ इसमें दिया हुआ है आपका। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंडीशन आपका दिया हुआ, अदर कंडीशन में जो आपका दिया हुआ है कि जो रिजर्वेशन आपका रहेगा ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ये उन्हीं को प्रोवाइड किया जाएगा जो कि ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, जो कि जीएनसीटी दिल्ली के द्वारा जो इशू किया गया होगा, तो उन्हीं का सिर्फ इसमें एक्सेप्ट किया जाएगा। और बाकी जो कैंडिडेट जो सबमिट करेंगे अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, जैसे उनका मान लीजिए कि जो इशू किया होगा बाय अदर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के जो मतलब होंगे वहाँ से अगर दिखाएंगे वो, तो उनको जो है जनरल या फिर अनरिजर्व कैंडिडेट के बिलोंग मतलब इनके कैटेगरी के अंदर में रखा जाएगा उनको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और देखिए, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका फॉर्म है, तो ये आपका 16 से स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट इसकी जो आपकी रखी गई है तो वह है आपका 31/12/2020, इसमें दी गई है आपकी। और जो लास्ट डेट आपका प्रिंटिंग का कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो ये जो है आपका 1/1/2021 दिया हुआ है, 1 जनवरी 2021 तक, और लास्ट डेट आपका 31/12/2020 तक है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका ये दिया गया है मतलब कि जो जो प्रोसेस रहेगा सेलेक्शन का, तो इसमें आपका जो है इंटरव्यू के माध्यम से आपका होगा यहाँ पे। और अगर मान लीजिए कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन मान लीजिए अगर लार्ज होता है, तो कमीशन कमीशन जो है तो उनको शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट को, तो उनको जैसे यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया और लगा सकता है, मे बी एग्जाम आपका ले सकता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो कैंडिडेट मतलब होंगे तो इंटरव्यू के बेसिस पे आपका यहाँ पे जो है सिलेक्शन किया जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए, जो एप्लीकेशन फी आपकी रखी गई है तो ये 25 रुपीज़ आपकी रखी गई है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। और बाकी जो एसटीएससी या फिर जो पीएच कैंडिडेट है या वीमेन कैंडिडेट जो है, तो उनको यहाँ पे फीस से जो है पे एग्जम्पशन किया गया, उनको फी नहीं पे करना है। और बाकी देखिए, जो जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट जो है, तो उनको जो है ये फी पे करना होगा, दैट इज 25 रुपीज़ की आपकी दी गई है। तो चलिए, यहाँ पे हमने जो सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देख लिया, यदि आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना।